हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस जे अकेडमी। हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप, बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पे बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था ना कि सारा कुछ समझ लिया था, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो पार्टनर्स का बेनिफिट क्या है, या पार्टनरशिप हो रहा है तो उसका बेनिफिट क्या है, अगर एग्रीमेंट नहीं बन रहा है तो उसके फायदे नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ना अच्छे से कवर कर लिया। तो आज वक्त है हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल का पहला लेक्चर लेने का। तो आज इंट्री वगैरह हम अच्छे से जानेंगे, इंट्री जानेंगे, विधि दे करके सारे अकाउंट जानेंगे। विश्वास करिए, बहुत आराम से सादृता के साथ पढ़ाई करेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बार फ्लक्चुएशन वाला ले लो कंसेप्ट, एक बार इधर उधर जाना नहीं है, आराम समझ जाओगे सवाल। ठीक है, चलो। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मैं वादे के साथ तो मैं चली रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके चल रहा हूँ, एक एक वीडियो आराम से एक एक पॉइंट पे बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने व्हाट इज पार्टनरशिप डीड पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ चुके हैं, फिर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड पढ़ा, फिर पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है, रिटेन होना चाहिए, ओरल, वो सारी बातें जान ली, फिर क्या क्या रिटेन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, पार्टनर्स के लिए, कंपनी के लिए फेवर में क्या होना चाहिए, फिर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, हमने सारा टॉपिक ना हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर चुके। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है ना, वो आज पढ़ेंगे जनरल एंट्री रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करो यहाँ पर कि जो आपने पढ़ा होगा ना, सबसे पहले तो आप पढ़ते होंगे, कभी पढ़े होंगे तो आप ट्रेडिंग पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं ट्रेडिंग, ट्रेडिंग आपने पढ़ा होगा ना, ट्रेडिंग तो पढ़ा ही होगा। तो ट्रेडिंग जब आपने पढ़ा होगा तो ट्रेडिंग में जो अकाउंट आप बनाते थे, ठीक है, जो भी अकाउंट आप बनाते थे ट्रेडिंग का, आप समझने की कोशिश करना, आपको आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग का जो अकाउंट बनाते थे आप, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, जो आप पर्टिकुलर रखते थे यहां पे, आप यहां पर अमाउंट रखते थे आप, फिर आप यहां पर्टिकुलर रखते थे आप, फिर आप यहां अमाउंट रखते थे, तो आपको पता, आप सब कुछ रखते थे, टू परचेज रखते थे आप, रखते थे ना आप, टू वेजेस रखते थे, ठीक है, ऐसे करके आप बहुत कुछ रखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक रखते थे आप, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक रखते थे, फिर आपको एक चीज पता होगा, इधर आप रखते थे बाई सेल, ठीक है, फिर आप इधर रखते थे बाई क्लोजिंग स्टॉक, आप रखते थे ना सब चीजें। मकसद ये नहीं है आपको समझाने का, मकसद ये है कि मान लो इधर का अमाउंट ज्यादा हो जाए, इधर का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो बैलेंस करने के लिए उधर जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते थे बाई ग्रॉस, बाई ग्रॉस लॉस, लॉस यही तो बोलते थे। मान लो किसी कारणवश इधर का अमाउंट ज्यादा हो जाए, इधर का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो इधर हम लोग क्या लिखते थे, तो आप बोलते थे सर टू ग्रॉस प्रॉफिट। अरे यही तो होता था, अरे यही तो होता था ना, फिर आप कहोगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का यही तरीका होता था क्या, इसी के फॉर्म से कर सकते थे, तो हमने कहा आप चाहो तो चार से भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते थे। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक तरीका और होता था, क्लास ट्वेल्थ में ही पढ़ोगे आप, पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक तरीका और होता था कि आपको सेल में से सीओजीएस घटाना था। सीओजीएस क्या था, तो आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको बोलते थे सीओजीएस। तो सर सीओजीएस कैसे निकलता था, तो आप बोलते थे सीओजीएस जो निकलता था उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेना होता था, अगर मान लो परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न घटा के लेते थे, फिर आप वेजेस लेते थे, फिर आप कैरिज इनवर्ड लेते थे, अरे लेते थे ना आप, कैरिज आउटवर्ड यहाँ नहीं आता था, यहाँ कैरिज इनवर्ड आता था, आप ये लेते थे, फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते थे, अरे लेते थे ना सी चीजें, लास्ट में आप क्लोजिंग स्टॉक। तो सीओजीएस निकालने का ये तरीका होता था, आप चाहो तो सीओजीएस यहाँ रख दो, सेल पता होता था कि भैया किसी भी गुड्स को बनाने में एक्चुअल कीमत 100 रुपये है, हमने 120 में बेच दिया है, तो जाहिर सी बात हमारा जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 20 रुपये हुआ होगा, तो जो प्रॉफिट हुआ होगा उसी को ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, 100 रुपये की लागत थी, 120 रुपये में बेच दिया तो 20 रुपये का हमें क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर आपको 20 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस सीओजीएस। तो सीओजीएस कैसे निकलता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं इस तरीके से, या तो आप निकाल सकते हैं 11 में पढ़े होंगे ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से भी ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल सकते थे। तो भैया एक बात बताओ, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है और ये जो ग्रॉस लॉस आया है ये कहां जाता था, तो फिर आप बोलते थे सर हम फिर पीएल अकाउंट बनाते थे, क्या बताते थे, हम पीएल अकाउंट बनाते थे।
अब ये पीएल अकाउंट क्या है, अब पीएल अकाउंट क्या है, तो आप बोलोगे पीएल अकाउंट में क्या होता था, सारे ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गया, सारा कुछ हम लिखते थे, तो इसका भी अकाउंट ऐसे ही बनता था, ठीक है, ऐसे ही सेम बनाते थे हम, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते थे पर्टिकुलर, क्या बोलते थे हम लोग पर्टिकुलर, इलेवेंथ की बातें बता रहा हूँ, वो आएगा सारा अमाउंट, फिर इधर लिखते थे पर्टिकुलर और फिर क्या लिखते थे अमाउंट, ठीक है। मकसद क्या है समझाने का, पीएल प्रिपरेशन लाना चाह रहा, मैं डायरेक्ट भी ला सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी पीएल प्रिपरेशन ला सकता हूँ, मकसद समझो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या वाकई में ट्रेडिंग की कुछ बातें, पीएल के कुछ बातें पीएल अप्रोप्रिएशन में जाती हैं क्या, उसको समझो, ठीक है। बहुत जगह देखोगे डायरेक्ट पीएल में आ जा रहे, मुझे नहीं पता आपको ट्रेडिंग आता भी है कि नहीं आता है, तो मैं डायरेक्ट पीएल कैसे समझा सकता हूँ, मान के चल रहा आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो। फिर मैंने ये कहा यहां पर अगर पर्टिकुलर अमाउंट है तो पीएल में क्या जाएगा, तो सबसे पहली बात जो जाएगी, तो आपने देखा होगा कि यहां पर ग्रॉस लॉस आया होगा, ग्रॉस लॉस आया होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो उधर जाके पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा इस साइड, इसको बोलते हैं टू बाई ग्रॉस लॉस, इधर लिखते हैं। और मान लो अगर प्रॉफिट आया होता तो प्रॉफिट उस साइड जाता, मैंने उल्टा लिख दिया यहां पे, यहां पे मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, आप समझना इस चीज को, चलो तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां चला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहां चला जाएगा और इधर चला जाएगा टू ग्रॉस लॉस, जस्ट क्रॉस हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा ना, क्रॉस। ये चीज है, प्रॉफिट वहां चला गया, ग्रॉस लॉस यहां चला गया, होता क्या है मैंने बता दिया, ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है उस चीज को हम जानने की कोशिश करें, चलो। तो पता ये चला कि ग्रॉस लॉस को यहां लिखते हैं भाई, ग्रॉस प्रॉफिट किधर लिखते हैं, फिर आप यहां क्या क्या लिखोगे, आप वो सारी चीजें लिखोगे, एडवर्टीजमेंट लिखोगे, ठीक है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत सी चीजें आप इधर लिखोगे, ऐसे बहुत सी चीजें आप इधर लिखोगे, वो क्या लिखोगे मैं धीरे धीरे करके आपको सब कुछ सिखाऊंगा, धीरे धीरे फॉन्ट करके जाऊंगा। फिर बाद में ये एहसास हुआ आपको कि सर ने ये तो बता दिया कि ग्रॉस लॉस यहाँ पे आता है पीएल अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस इस साइड आता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इस साइड आता है, ठीक है। फिर आपका मकसद क्या है आपका जानने का, तो हमने कहा देखो इस चीज को आप समझो, चलो। तो मैंने ये कहा हम इस चीज को आराम से समझ सकते हैं यहाँ पर कि इनके लास्ट में जब आप टैली कर रहे होंगे, जब टैली कर रहे होंगे बना रहे होंगे, हो सकता है कि ये अमाउंट ज्यादा हो जाए, हो सकता है ना कि अमाउंट ज्यादा आ जाए, तो जैसे ही अमाउंट ज्यादा आ जाए तो आपको ये मानकर चलना है कि इधर ज्यादा हो गया उधर कम हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा नेट लॉस, क्या लिखना पड़ेगा नेट लॉस, यहां पे डालना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है। मान लो किसी कारणवश इधर ना ज्यादा होकर इधर का ज्यादा हो गया, तो इधर का ज्यादा हो गया तो आप कहोगे अगर मान लो इधर का सर ज्यादा हो गया, तब आप इधर लिखोगे टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग का कुछ हिस्सा आपका पीएल में जाता है, तो पीएल का भी कुछ हिस्सा तो कहीं तो जाएगा ही जाएगा, तो आप बोलोगे जो नेट प्रॉफिट जो नेट लॉस आया है वो कहां जाएगा, तो आप बोलोगे ये उठकर पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, जो यहां मकसद हमारा समझना था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पढ़ने वाले हैं ना कि पीएल अकाउंट पढ़ने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे वो भी, लेकिन अभी जो मकसद बताना चाह रहा हूँ वो पीएल अप्रोप्रिएशन को बताना चाह रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर आपने ट्रेडिंग बता दी, ट्रेडिंग का कुछ हिस्सा पीएल में जाता है, तो पीएल का नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहाँ जाता है, अगर आप इस चीज को समझोगे, अगर आप इस चीज को समझो यहां पर, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड लास्ट में जो बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर देखो यहां पर जो आया था हमारा कहां गया, ये देखो यहां पर जो आया था हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पीएल अकाउंट का था, वो ट्रांसफर होगा ये अमाउंट वो ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा, आप बोलोगे सर पीएल अप्रोप्रिएशन, देखो लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन केवल नेट प्रॉफिट इधर आएगा, तो नेट लॉस किधर जाएगा, तो आप बोलोगे नेट लॉस इधर जाएगा, बात समझ में आ गया, तो आप बोलोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा नेट प्रॉफिट यहां पर आएगा, नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो बात देखो समझ में आ गई ना कि हाँ भैया पीएल भी बनाना आना चाहिए, बहुत जरूरी है कि पीएल का नेट प्रॉफिट जो हिस्सा है वो घूमकर कहां जाने वाला है, पीएल अप्रोप्रिएशन में, कहां जाने वाला है पीएल अप्रोप्रिएशन में घूमकर जाने वाला है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आऊंगा यहां पर सारी बातें आऊंगा, बस मैं समझाना चाह रहा हूं कि ट्रेडिंग पीएल भी बनाना आना चाहिए ताकि जाके पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप कनेक्ट कर सको इस चीज को, ठीक है। चलो तो अब समझते हैं हम पहले एंट्री कि एंट्री में हमें क्या क्या जानने की कोशिश करना और क्या क्या चीज हम जानेंगे उस चीज को हम पूरा समझते हैं। चलो देखो
तो सबसे पहले पढ़ना है एंट्री रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। चलो तो सबसे पहले पढ़ते हैं एंट्री जो हमारा है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या हो गया भैया, अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने बताया कि जो आप नेट प्रॉफिट बनाए थे, अभी आप देखो यहाँ पे जो आप नेट प्रॉफिट बनाए थे, तो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट जो बनाए थे, इसका जो नेट प्रॉफिट आया था, सबसे पहले इसी को ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले यही ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आप देखो यहां पे, देखो तो कह रहा है फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहां पे करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा क्यों कर रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को मैं क्रेडिट में डाल रहा हूं, तो आपने यहां नोटिस किया होगा, आपने यहां नोटिस किया होगा, तो जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो आपके किस साइड जा रहा है, क्रेडिट साइड, और ये किस साइड जा रहा है, डेबिट साइड। तो आप बोलोगे पीएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में ही अगर प्रॉफिट क्रेडिट साइड जा रहा है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। ये चीज आपको जान के चलना है, ठीक है, ये आपको जान के चलना है। तो भैया जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है, इसको ट्रांसफर करने का पीएल एप्रोप्रिएशन में जो एंट्री बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि कहां आता है, कब जाता है और कैसे जाता है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर आपको जानना है, फिर आपको अगला एंट्री जाननी है आपको यहां पे, फिर आप अगला जानेंगे यहां पे। चलो अगला जानना आपको फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि जब पार्टनरशिप डीड बनती है, जब पार्टनरशिप डीड बनती है, तो पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जनरेट किया जाता है। तो भाई अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, तो उस समय उसकी एंट्री अगर पास करनी, भाई करनी करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा। आप नहीं दिखाओगे तो आपके क्या हो जाएंगे, सब बैलेंस शीट वगैरह लास्ट में दिक्कत हो जाएगी, टैली कर नहीं पाओगे, कंपनी फ्रॉड कहलाएगी। तो अगर रिटेन है तो आपको दिखाना पड़ेगा भाई पेमेंट दे रहे हैं, तो वही चीज हमको यहां पे देखना है। देखो तो आपके अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बन जाएगी, इसमें दो तरीके से हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, दो पार्ट, पहला पार्ट तो ये और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा ये। तो पहला पार्ट क्या बोल रहे हैं हमारा, देखो यहां से कटा हुआ है, उधर अलग है इधर अलग है, क्या है, फॉर अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो, तो एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। और याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी और कैपिटल पे जनरेट नहीं करते हैं, हमेशा जो पार्टनर इन्वेस्ट किए होते हैं कैपिटल, उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जनरेट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, या कैपिटल को छोड़कर आप करंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या यूज अभी मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा, आप एंट्री बस देखते चलो। तो फॉर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट के अलाउ कर रहे होंगे कैपिटल पे, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट जनरेट कर रहे होंगे, उनको हम दे रहे होंगे, तो उसमें एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मान लो कि पार्टनर्स के कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो उनको ना देकर डायरेक्ट हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल रहे होंगे, तो उस समय क्या होगा, पहली एंट्री ये तो होगा कि हम कैपिटल पर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हम चार्ज कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। फिर इन्हीं कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप रिसीव किए उसको आप फिर दे रहे होंगे, पहले आप ले रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे, तो ले रहे थे, तो ले रहे थे मतलब रिसीव कर रहे, तो रिसीव कर रहे थे मतलब डेबिट हो गया। अब आप ट्रांसफर कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब किसी को दे रहे होगे, जब दे रहे होगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किसको दे रहे हो, तो आप बोलोगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जिसको दे रहे होगे वो डेबिट हो जाएगा, अगर हम दे रहे हैं तो हम क्रेडिट हो गए, जिसके पास जा रहा है वो डेबिट हो जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल रहे हो इसलिए वो डेबिट हो गया, हम ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा हमारे पास जा रहा है, क्या जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो दो बातें आपको यहां से समझ में आई कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे होंगे, अलाउ कर रहे होंगे, या तो हम एक ये जब उसे हम क्या कर रहे होंगे, ट्रांसफर कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे उसे हम ट्रांसफर कर रहे होंगे, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं, यहां पे अगला देखते हैं क्या है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, ये भी बातें आपको समझ में आ गई, एंट्री लिखी हुई है पहले से ही, मैं समझा रहा हूं आप सिर्फ समझो, ठीक है। बाकी नहीं समझ में आएगा तो अकाउंट लगा के आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलो फॉर सैलरी और कमीशन ऑफ द पेबल टू अ पार्टनर, मान लो मैंने बोला था जब कोई एग्रीमेंट हो रहा हो,
एग्रीमेंट अगर हो रहा होता है तो पार्टनर्स को क्या देना पड़ता है ना, आपको सैलरी वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, ठीक है। देखो कहीं लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि पहले से क्लियर कर देना होता है कि पार्टनर को क्या सैलरी देना और क्या कमीशन देना है। एग्रीमेंट डीड में लिखा है तो उसकी एंट्री बनती है, नहीं लिखी होगी तो एंट्री नहीं बनेगी। क्यों? मैंने पहले ही बोला कि मान लो अगर एब्सेंस है तो नो सैलरी कमीशन, सैलरी और कमीशन कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ नहीं मिलेगा तो एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन यहां तो बनेगा ना, क्योंकि आपको दिया जा रहा है। जब आपको पैसा दिया जा रहा है तो आप इस चीज को देखो, देखो आप इस चीज को देखो, चलो तो आप बोलोगे फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर। पार्टनर को या तो सैलरी या तो कमीशन अगर दे रहे हो तो क्या बनेगा, पार्टनर बोलेगा यार मेरे पास सैलरी कमीशन आ रहा है तो क्यों ना सैलरी कमीशन को मैं डेबिट कर दूं। मेरे पास आ रहा है ना, सैलरी आ रही है और क्या आ रही, कमीशन आ रही है, तो कमीशन को मैं ना डेबिट कर दूंगा। कमीशन क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। और ये किसके अकाउंट में आ रही है, तो आप बोलोगे पार्टनर्स के अकाउंट में आ रही है, तो आप यहां क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही चीज लिखा है, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसके अकाउंट में जाएगा उसके अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, उसके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, ठीक है ना, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, आपके समझ में आया होगा। चलो फिर अगला देखते हैं, फॉर द ट्रांसफरिंग पार्टनर सैलरी कमीशन। भैया अभी आपको पार्टनर्स कैपिटल के लिए, पार्टनर्स को क्या मिला था, सैलरी और कमीशन मिला था। जैसे सबसे पहले भी हम ये समझे थे, यहाँ पे समझना, आप यहाँ कोशिश करो समझने का। तो आपने जैसे आपको इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट डेबिट था, फिर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा ना, क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ सैलरी और कमीशन मिल रहा है, अब आप ट्रांसफर करोगे तो जाहिर बात है क्रेडिट हो जाएगा, जिस पे ट्रांसफर कर रहे होगे वो डेबिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर सैलरी और कमीशन, यही तो दे रहे हो ना आप, वहां पर डेबिट था, यहां पे आप ट्रांसफर कर रहे हो तो क्रेडिट हो जाएगा। किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो पीएल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। बात समझ रहे हो ना, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो वो तो जाएगा। एक चीज और याद रखना है, जैसे आप यहाँ पीएल बनाओगे ना, यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे पार्टनर का सैलरी और कमीशन डेबिट में है। ऐसा क्यों ये डेबिट में है, तो आप बोलोगे जब यहाँ एंट्री पढ़ रहे हैं हम, ट्रांसफर कर रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट है, उसी के अकाउंट है और वो डेबिट है, इसलिए नीचे वाली चीज कहां चली जाएगी, डेबिट में चली जाएगी। और मान लो पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में होता तो उसके जस्ट अपोजिट वाली एंट्री क्रेडिट में हो जाएगी। याद रखिएगा हमेशा, जिसका अकाउंट होगा और जो जहां पे होगा जस्ट अपोजिट वाली जो एंट्री है वो वहीं पे चली जाएगी। अगर मैं बना रहा हूं मान लो राम की एंट्री, राम क्रेडिट है तो जो चीज डेबिट में होगा वो राम के क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। लेजर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको आया होगा, ठीक है। फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, अब रिजर्व को अगर ट्रांसफर करना है तो भैया ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो कहां ट्रांसफर करेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में ही करेगा, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या करेगा ना, रिजर्व को ट्रांसफर करेगा। भैया जैसे ही पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे ना, तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा ना, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या ट्रांसफर कर रहे हो, तो रिजर्व कर रहे हो ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो ट्रांसफर। तो रिजर्व कहां चला जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप बोलोगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अगर डेबिट है तो आपका जो रिजर्व है वो कहां चला जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में चला जाएगा। तो रिजर्व आपका पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में चला जाएगा। मान लो आप पीएल अप्रोप्रिएशन ना बना रहे होते, आप रिजर्व अकाउंट बना रहे होते, मान लो रिजर्व अकाउंट बना रहे होते, तो रिजर्व अकाउंट आप ऐसे खींच रहे होते भैया हम रिजर्व अकाउंट बना रहे, यही तो होगा ना, रिजर्व अकाउंट बना रहे, रिजर्व अकाउंट। तो आप बताओ रिजर्व अगर क्रेडिट में है तो पीएल अप्रोप्रिएशन कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। आप ये याद रखना, जिसका अकाउंट होगा उसी पर फोकस करेंगे, डेबिट में है तो सामने वाले को डेबिट में, अगर वो क्रेडिट है तो सामने वाले को क्रेडिट में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, लास्ट वाला एंट्री समझेंगे इसका, लास्ट देखो क्या है। चलो देखो समझते रहना सारी चीजें, नहीं आया एक बार और वीडियो देखना, आराम समझ में आ जाए आपको, ठीक है। चलो फिर लिखा है फॉर, देखो फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए कंपनी से ले रहे पैसे अगर ले रहे हो आप, और एग्रीमेंट डीड हुआ है तो उसमें लिखा होगा कि कितना इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है, कितना आपको कंपनी को वापस करना है, ये चीज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यही चीज यहां देखना है कि फॉर इंटरेस्ट ऑन चार्ज ड्राइंग, तो फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अब पार्टनर्स ड्राइंग। अगर मान लो कोई पार्टनर पैसा कंपनी से ले रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे ही, इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो पार्टनर को मिल रहा होगा कि इस बार पैसा उसके हाथ से जा रहा होगा, तो जा रहा होगा। पार्टनर बोलेगा मेरे पास से पैसा जा रहा था, लेकिन उस समय जब हम पढ़ रहे थे, उस समय पढ़ रहे थे यहाँ पे आप देखना, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था,
पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब ड्रॉइंग में इंटरेस्ट को देना होगा, तो जस्ट उल्टी एंट्री बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इस बार देना है, इस बार क्या करना, पैसा हाथ से जाएगा, क्या करेगा, जाएगा। देखो इस चीज को, तो आप बोलोगे फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स ड्रॉइंग, तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पैसा जा रहा है। कैपिटल का याद रखोगे ड्राइंग का जस्ट उल्टा बनेगा, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, और ड्राइंग में देखोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगला देखो, मान लो आप ड्राइंग को ट्रांसफर कर रहे हो पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो मैं बार बार बोला था जब आप इंटरेस्ट बना रहे थे, जब आप क्या बना रहे थे, इंटरेस्ट बना रहे थे, इंटरेस्ट बना रहे थे, तो जब इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो जस्ट इसका उल्टा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डेबिट था तो यहां पे क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था। तो अब बताओ ड्राइंग अगर हम ध्यान से देखें, ड्राइंग का ध्यान से देखें, ड्राइंग अगर यहां पे क्या है, क्रेडिट है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो आपका डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे आपका डेबिट हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। इसका अकाउंट अगर देख लें तो आप बोलोगे सर पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट है, इसका मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट होना चाहिए था, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल होना चाहिए था, देखो क्या दिया है, क्या, तो आप देखोगे ड्राइंग दिया है, ड्राइंग कहां दिया है, जस्ट क्रेडिट साइड ड्राइंग आपकी गिवेन है। एंट्री के मदद से अकाउंट भी बना सकते हैं, अकाउंट की मदद से आप एंट्री को भी पास करते, सारा कुछ सिखा रहा हूं, ठीक है, करोगे तो आ जाएगा। चलो अगला देखो, अगला सिक्स वाला क्या है, फॉर ट्रांसफर ऑफ पीएल, या सॉरी फॉर ट्रांसफर टू प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, लास्ट में जो आप ये बना रहे होगे ना, ये चीज आप बना रहे होगे, देखो ये चीज बना रहे होगे, तो पीएल अप्रूव, जैसे आपने यहां समझा था कि सर हमने ट्रेडिंग बनाया, हमने क्या बनाया, हमने ट्रेडिंग बनाया, जब ट्रेडिंग बनाया तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आया, तो इसको कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर किया, तो हमने कहा पीएल अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया, आपने कहाँ ट्रांसफर किया, पीएल अकाउंट में, तो फिर आपने कहा सर मान लो पीएल अकाउंट बना रहे तो कहाँ ट्रांसफर किया, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में किया, तो आप बताओ भैया पीएल अप्रोप्रिएशन ही अगर इस बार बना रहे हो, आप पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हो, तो उसका प्रॉफिट और लॉस कहाँ ट्रांसफर करेंगे आप, कहीं ना कहीं तो आप ट्रांसफर करेंगे, तो आपने कहा जो इस बार हम ट्रांसफर करेंगे, देखो कहाँ करेंगे, तो देखते जाना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, तो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बना रहे होंगे, मान लो दो पार्टनर हैं, ठीक है, आप दो पार्टनर का अगर आप बना रहे होंगे ना, समझिएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, फिर ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, फिर ये हो जाएगा ए और बी, दो पार्टनर का बना रहे हो आप, तो जो पीएल होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। पार्टनर एक है, दो है, तीन है, वो मैटर करता है फर्म पे, तीन है तो तीन बनाएंगे, दो है तो दो बनाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनता है, वो चीज़ आपको सिखाया जाएगा। तो फिलहाल आप ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत आराम से आप समझे होंगे इस चीज़ को कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट ही क्यों होती है, पार्टनर सैलरी डेबिट ही क्यों होता है, रिजर्व डेबिट क्यों होता है, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर का अमाउंट ज़्यादा हो जाए उधर लॉस क्यों बनता है, उधर का अमाउंट ज़्यादा हो जाए इधर प्रॉफिट बनता है, तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, तो मैंने आपको बताया प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये चीज आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो कल जो हमारा टॉपिक होगा वो इस चीज को पढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को हम आराम से पढ़ेंगे। तो कोशिश ये करें कि पूरा लेक्चर आराम से देखें, सारा कुछ समझ में आएगा, है ना, नहीं आता कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ, हम आपके लिए तैयार हैं, आप हमारे लिए तैयार हैं तो हम आपके लिए तैयार हैं, ठीक है, तो बस ऐसे साथ बनाए रहो, मजा आ रहा है, ठीक है, चलो पुरस्कार रहिए, मिलते रहेंगे, चलिए धन्यवाद।